नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से है, जहां शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। कैबिनेट में करीब 3 दर्जन से भी ज्यादा प्रस्ताव आएंगे और कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी और सिविल जज की परीक्षा में बैठने की योग्यता बदलने को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही रीडेवलपमेंट पॉलिसी को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है और सामाजिक न्याय निरीक्षक से जन कल्याण विभाग में भी नाम बदला जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी है, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का भी लेकर चर्चा की जा सकती है। साथ ही एमपी पुलिस सेवा संवर्ग में 2 पुलिस महानिदेशक के पद बढ़ाने पर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो कई मुद्दों को लेकर आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी और साथ ही कैबिनेट में करीब 3 दर्जन से भी ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां आज शिवराज कैबिनेट की बड़ी और अहम बैठक बताई जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। भोपाल से मेरी सहयोगी अमितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई है। अमितांशी, आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, किन मायनों में महत्वपूर्ण है ये बैठक? देखिए, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज हो रही है। पिछले 2 हफ्तों से शिवराज कैबिनेट की बैठक गुजरात चुनाव के चलते नहीं हो पा रही थी, यहां तक कि एक बार कैबिनेट की बैठक को कैंसिल भी किया गया था। इसके बाद अब आज बैठक हो रही है, तो तमाम जो अहम प्रस्ताव है उनको मंजूरी यहां पर मिल सकती है। देखिए, 3 दर्जन से भी अधिक अहम प्रस्ताव यहां पर आज कैबिनेट में आने वाले हैं और सबसे बड़ी जो है एक नई योजना लाने की तैयारी यहां पर सीएम शिवराज कर रहे हैं। देखिए, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उसको पूरी तरीके सीएम शिवराज रिझाने में जुटे हुए हैं और उनके लिए एक नई योजना लाने की तैयारी में यहाँ पर सीएम शिवराज हैं। उनके लिए जो है आज योजना को जो प्रस्ताव है वो पास होगा, उस पर मुहर लगती हुई नजर आएगी और आगामी समय में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक जो युवा वर्ग है उनको जो है यहाँ पर नई योजना के तहत सौगात मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पिछड़ा वर्ग के युवा है, जो कि बेरोजगार हैं, युवा युवती हैं, वो जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको जो है पूरी तरीके से यहाँ पर रिझाने की कोशिश सीएम शिवराज करने वाले हैं। विदेश भेजने की उनको तैयारी की जाएगी, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको स्वरोजगार मिल सके और वो तैयारियाँ कर सके। विदेश भेजने की तैयारी में यहाँ पर सीएम शिवराज हैं। देखिए, तमाम और ऐसे अहम जो प्रस्ताव हैं, जो मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है 2022 में, इसको लेकर जो व्यय होने वाला है, इसको भी लेकर आज जो है प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो सकता है कि कितना व्यय होगा, कितना कुछ खर्चा जो है पूरे विभाग मिलकर करने वाले हैं या फिर खेल एवं युवा विभाग करने वाला है, इसको लेकर आज पूरी तरीके से कैबिनेट में चर्चा होने वाली है। साथ ही सिविल जज को लेकर जो है एग्जाम होता है, उसकी जो योग्यता है उसको भी बदलने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कई ऐसे लोग हैं जो कि हज़ारों संख्या में लोग होते हैं जो कि तैयारी करते हैं, लॉ की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं सिविल जज की नियुक्ति के लिए, इसकी जो योग्यता है इसको बदलने की तैयारी में फिलहाल शिवराज कैबिनेट है। अभी देखना होगा कि क्या कुछ इसमें योग्यता तय की जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीएम राय स्कूल, जो कि सीएम के जो है मॉडल स्कूल होते हैं, कई जगहों पर ये स्कूल्स बनाए जाते हैं, इसके नवनिर्माण को लेकर जो है चर्चा आज कैबिनेट में होगी कि किस तरीके से पूरे परीक्षण के साथ इसके जो है निर्माण किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षण समिति जो होगी, कितना अनुमोदन इसको लेकर प्रस्ताव पास होगा आज सीएम राय स्कूल को लेकर। तो अगर हम बात करें तो आज पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक जितना वर्ग है उसको लेकर जो है पूरे कैबिनेट में अच्छी खासी जो है योजना को जो है प्रस्ताव को जो है पारित किया जा सकता है और जो है इसको लेकर मुहर भी लगाई जा सकती है। तो कैबिनेट में आज अहम प्रस्ताव तो पास होंगे ही, लेकिन अल्पसंख्यक जो वर्ग है, पिछड़ा जो वर्ग है, उनको यहाँ पर जो है बड़ी सौगात कैबिनेट में मिल सकती है। जी जी, मितांशी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी।